वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेंस अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो मैच खेला जाने वाला है, फोनिक्स वुमेंस वर्सेस अटलांटिका वुमेंस के बीच में। वीडियो में बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से क्या कुछ रहेंगे स्टार्टिंग लाइनअप और क्या कुछ रहेंगे बेंच प्लेयर का आज के मैचेस के लिए प्लेयर परफॉर्मेंस, और उसी के साथ साथ कुछ ग्रैंड लीग प्लेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट है वो फाइनल लाइनअप आने के बाद आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने आपको देकर रखी है कमेंट बॉक्स में। तो जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वही मिलेंगी। लिंक अगर वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। बात करेंगे दोनों टीम के बीच में कंपैरिजन। रिसेंटली चार मैचेस के बारे में अगर बात करेंगे तो चार में से एक भी मैच विन कर पाई नहीं यहाँ पर फोनिक्स, और पिछले चार में से दो मैच विनिंग के साथ आ रहे अटलांटिका। आज के मैचेस के लिए विनिंग स्ट्रांग जो टीम रहेंगी वो रहेंगे अटलांटिका वुमेंस। तो आप मैक्सिमम ट्राई करना कि अटलांटिका के फेवरेबल में टीम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये टीम आज के मैचेस के लिए, अगर आज का मैच यहाँ पर ये टीम वन साइडेडली विन करती है तो इसी टीम की तरफ से प्लेयर रहेंगे जो सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट देकर चले जाएंगे। बात करेंगे स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में और उसी के साथ साथ इंजुरी अपडेट्स और क्या कुछ रहेंगे स्टार्टिंग लाइनअप पर उसका इफेक्ट। सबसे पहले फोनिक्स की तरफ से जो एक इंपॉर्टेंट इंजुरी अपडेट से ब्रिटनी गरीनरी, इनकी जो मेन प्लेयर है वो खेल नहीं रहे, तो उनके जगह पर आपको गुस्तावसन स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगी, और टर्नर का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि फ्रंट कोर्ट से खेलेंगे, आपको रिबाउंड कलेक्ट कर भी देंगी। दोनों करेंगे स्टार्ट एक फ्रंट कोर्ट से। उसके बाद तरुसाई टीम की मेन प्लेयर है जो कि शूटिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर चले आ रही, और मे बी यहाँ पर ये प्लेयर जो होते यहाँ पर अपने 10,000 पॉइंट से एक 18 पॉइंट दूर है, तो आज के मैचेस में ये कर देंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैंड लीग कैड हो तो उसके लिए आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। कुनिंगम स्टार्ट करेंगे फ्रंट कोर्ट से, और बैक कोर्ट से स्टार्ट करेंगे जेफरसन। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है। अगर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो गुस्तावसन और उसी के साथ साथ तरुसाई टीम की मेन प्लेयर है। टीम की मेन प्लेयर इसलिए क्योंकि दोनों की तरफ से आप देख लेना पिछले दोनों मैचेस में यही दोनों प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा फील्ड गोल से शॉट्स ले रहे हैं। उसके बाद जेफरसन काफ़ी अच्छी प्लेयर है लेकिन शूटिंग से इन्होंने कुछ शॉट्स मिस किए। ग्रैंड लीग खेल तो ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए आज के मैचेस के लिए रहेंगी जेफरसन, जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये प्लेयर जो थे एक बॉल हैंडलर भी, जहाँ पर आपको असिस्ट से भी पॉइंट देंगी। और टर्नर इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इस टीम की तरफ से इनकी जो मेन प्लेयर है फ्रंट कोर्ट की वो खेलने रहे ब्रिटनी गरीनरी, तो उसके चलते टर्नर की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको आता देखने को मिलेगा। कुनिंगम ज़्यादा शॉट्स नहीं ले रही, लास्ट मैच में भी फाउल ट्रबल किया था, एक अच्छी प्लेयर है लेकिन ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंडेड। स्मॉल लीग जो प्लेयर रहने वाले एक तो यहाँ पर गुस्तावसन, टर्नर, उसके बाद तरुसाई, ये स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। ग्रैंड लीग ट्राई करो तो जेफरसन और कुनिंगम, इन दोनों को जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर है जो कभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देकर चले जाएंगे। टीम की तरफ से जो बैंच स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आपको सेफ एडी एक इंपॉर्टेंट पिक देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर बैंच से ओनियर की तरफ से भी, तो ओनियर पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी पिक रहेंगी। मैच वन साइडेड हो या फिर क्लोज मार्जिन वाला हो, ये दोनों प्लेयर रहेंगे जो कि अच्छा टाइम आपको खेलते देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैचेस का प्लेयर परफॉर्मेंस, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों के फील्ड गोल से आप शॉट्स देख लेना, दोनों फील्ड गोल से बहुत ज़्यादा शॉट्स ले रहे हैं, इसके चलते आप इनको जरूर ट्राई कर लेना। जहाँ पर मैंने बताया था ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी पिक है जेफरसन, जेफरसन क्यों है, क्योंकि फील्ड गोल से बहुत ज़्यादा शॉट्स यहाँ पर ये प्लेयर पिछले दोनों मैचेस में मिस करे, जिस दिन चल जाएंगे उस दिन आपको वन साइडेडली काफ़ी अच्छे पॉइंट देकर चले जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक शूटिंग की मेन प्लेयर है, तो इनको भी ज़रूर आप ट्राई कर लेना। कुनिंगम लास्ट मैच में थोड़ा सा फाउल ट्रबल की वजह से ज़्यादा टाइम खेली नहीं थी, अगर कुनिंगम ज़्यादा टाइम खेली नहीं थी तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट बेंच पर सेफ एडी पर पड़ा था, जिसको काफ़ी अच्छा टाइम मिला है। और उसके बाद टर्नर फील्ड गोल से तो ज़्यादा शॉट्स लिए नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंसिव प्लेयर है, जहाँ पर आपको रिबाउंड से हर एक मैचेस में अच्छे पॉइंट कलेक्ट कर देंगी। ये हुए फोनिक्स की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप और उसी के साथ साथ बैंच स्ट्रेंथ। सेकंड साइडली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आज के मैचेस के लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग टीम अटलांटिका, अटलांटिका की तरफ से जो स्टार्टिंग लाइनअप है सेम स्टार्टिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेंगी। कोई न्यू इंजरी अपडेट्स नहीं, रॉबिनसन का स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजिशन आपको स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगी अलिसा ग्रे, स्मॉल फॉरवर्ड पोजिशन से स्टार्ट करेंगी रिजी हाइवर, उसके बाद क्या न्यू कॉफी स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड, और सेंटर पोजिशन से स्टार्ट करेंगे कैंडस पार्कर। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है। टीम की तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर पार्कर, हाइवर और उसी के साथ साथ एलिसा ग्रे, ज़्यादा क्रेडिट इशू नहीं है तो तीनों प्लेयर को आप एक टीम में रख सकते हो। उसके बाद कॉफी टीम की अच्छी प्लेयर है, लेकिन कभी कभी कॉफी की तरफ से भी एक अप डाउन वाला परफॉर्मेंस आता है, कभी कभी बहुत अच्छा देती है, कभी कभी इनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस आता नहीं। रॉबिनसन ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंडेड करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्लेयर, क्योंकि रॉबिनसन की तरफ से अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं, और स्पेशली जब भी परफॉर्मेंस आया
तब उसे कंटिन्यू कर पाई नहीं। तो रॉबिनसन को पिक करना थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं। रॉबिनसन की जगह पर अगर आप चाहो तो मैकडोनाल्ड को आप बैन से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैकडोनाल्ड एक ऐसी प्लेयर है जो लास्ट मैच में तो फील्ड गोल से शॉट्स तो लिए थे लेकिन स्ट्रगल किया था, लेकिन आपको असिस्ट से भी काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पर ये प्लेयर देकर चली जाएंगे। उसके बाद आपके पास रिचा हेवर है जो कि फील्ड गोल से काफ़ी अच्छे शॉट्स ले रही, फील्ड गोल से अच्छे शॉट्स ले रही अलिसा ग्रे और उसके साथ साथ कैंडिस पार्कर, तीन टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि आपको पॉइंट और रिवॉर्ड दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देकर देंगे। रॉबिनसन को ट्राई करने का यहाँ पर कोई भी सेंस बनता नहीं क्योंकि इस प्लेयर की तरफ से अभी तक इतना बेस्ट आया नहीं, टाइम भी ज़्यादा मिलता नहीं। काफ़ी लास्ट मैच जब खेली थी फर्स्ट क्वार्टर यानी पहले जो 20 मिनट थे वहाँ पर इस प्लेयर ने दो फाउल क्विक फाउल कर दिए थे, उसके चलते ज़्यादा टाइम खेली नहीं थी। सेकंड हाफ में आते आते इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मैक्सिमम जो इनके जितने भी पॉइंट आए वो सेकंड हाफ में आए, लेकिन तब तक मैच वन साइडेडली हो गया था, उसके चलते ज़्यादा टाइम कॉफी को मिला नहीं था। फिर भी कॉफी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी पिक रहेंगी, बाकी स्मॉल लीग के लिए पिक ये तीनों बेस्ट पिक रहेंगे, इनको तीनों को ज़रूर लेकर चले जाना। कॉफ़ी अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छी पिक, अगर इस टीम की तरफ से बैन से किसी को ट्राई करना है तो बैन से एक ही प्लेयर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो जो कि सबसे बेस्ट पिक रहेंगी। लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आया नहीं लेकिन मैकडोनाल्ड पर ध्यान रखना, ये प्लेयर जिस दिन चली गई उस दिन आपको यहाँ पर मोर देन 20 पॉइंट ईजिली दे देंगी। लास्ट मैच अगर यहाँ पर देखेंगे पॉइंट थोड़े से कम है लेकिन उससे पहले मैचेस कंटिन्यूसली इस प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस आ रहा है, बैन से खेलेंगे लेकिन बॉल हैंडलिंग का भी काम संभाल थी तो आपको असिस्ट से भी परफॉर्मेंस देकर चली जाएंगी। उसके बाद हाइली जॉन्स, मैक्यू विलिंग जैसे कुछ प्लेयर है जिन्हें आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा रिकमेंडेड इन प्लेयर को करूंगा नहीं, सिवाय यहाँ पर एरिक मैकडोनाल्ड, यही प्लेयर है जिसको आप अपने स्मॉल लीग टीम में बैन से ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल जो दोनों टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप है और बैन स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी बात करेंगे हम हमारी स्मॉल लीग की डेमो ड्रीम 11 टीम, जहाँ पर टीम की मेन प्लेयर है फोनिस की तरफ से तरुसाई, ये मेरे टीम में रहने वाले हैं। आज के मैचेस के लिए जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो है अटलांटिका, तो अटलांटिका की तरफ से जितने भी इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रेडिट इशू तो ज़्यादा रहने वाले नहीं, अलिसा ग्रे, हेवर्ड और उसी के साथ साथ कैंडिस पार्कर, इन तीनों बेस्ट प्लेयर को मैंने अपने टीम में रखा है। उसके बाद गुस्तफुज़ुन फोनिस की तरफ से सबसे अच्छी शॉट्स ले रही है और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, तो उसके लिए आप इनको वाइस कैप्टन भी अपने टीम में ट्राई कर लेना क्योंकि ये प्लेयर पॉइंट और रिबाउंड दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देकर चली आ रही है। उसके बाद मैंने अपने टीम में रखा है टर्नर, अगर आप चाहो तो अपने टीम में कॉफी को रखना। टर्नर को इसलिए मैंने रखा है क्योंकि टर्नर कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा टाइम खेल रहे हैं, टर्नर इसलिए अच्छा टाइम खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिटनी गरीनरी खेल नहीं रही। उसके बाद अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो कॉफी को आप अपने टीम में पिक कर सकते हो। और जो मेरी दो बेस्ट प्लेयर रहेंगे जो कि दोनों खेलेंगे बैन से, जहाँ पर मेरे टीम में रहने वाले एक तो एरिक मैकडोनाल्ड और 7.5 क्रेडिट में सेफिली, ये मेरे बेंच प्लेयर रहने वाले दो बेंच प्लेयर, बाकी सभी स्टार्टर। इस टीम में अगर आपको चेंजेस करना है सभी स्टार्टर को लेना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। एक तो यहाँ पर कैंडिस पार्कर, हेवर्ड, तरुसाई या फिर अलिसा ग्रे, इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप कर आप अपने टीम में जो स्टार्टर है वो प्लेयर ले सकते हो। जैसे कि आपके टीम में आ जाएंगे यहाँ से जेफरसन, उसके बाद आपके टीम में आ जाएंगे यहाँ से कॉफी, इन दोनों को आप चाहो तो अपने टीम में रख सकते हो। फिलहाल जो बेंच प्लेयर है पेडी और मैकडोनाल्ड, दोनों भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है और मैक्सिमम परसेंट चांसेस है कि यहाँ पर ये दोनों जो है यहाँ पर 20 या फिर 20 से ज़्यादा मिनट आपको खेलते देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक मेरी डेमो ड्रीम 11 टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, फिर भी यहाँ पर मैंने हेवर्ड को बनाया यहाँ पर एसपी। पीपी मेरे रहने वाले अलिसा ग्रे, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहते हो तो कैंडिस पार्कर को एज ए पीपी ज़रूर ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर आज के मैचेस में जो फोनिस की टीम है वो बहुत ज़्यादा शॉट्स मिस कर लेते हैं तो उस सिनारियो में आपको हो सकता है कैंडिस पार्कर एक रिबाउंड से अच्छे पॉइंट कलेक्ट कर देंगे, तो उसके लिए आप इनको ग्रैंड लीग के लिए या फिर स्मॉल लीग के लिए भी एज अ यहाँ पर रिस्क लेकर वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल ये मेरी एक डेमो ड्रीम 11 टीम, मोस्टली यहाँ पर ये फाइनल टीम रहने वाले, अगर लाइनअप में कोई चेंजेस नहीं होते, अगर लाइनअप में कोई चेंजेस होते तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए यहाँ पर ये टीम सेव कर लेना, फाइनल अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।